हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले पनीर की रेसिपी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। छोले पनीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले मसाला बनाकर तैयार कर लेना है। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 2 प्याज कटी हुई, लहसुन की कलियाँ 6 से 7, अदरक, आधा कटा हुआ टमाटर, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, 1 दालचीनी, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 2 सूखी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में डालकर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट में 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मीट मसाला, 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1/2 टेबल स्पून हल्दी डालकर इसे मिक्स कर लें। मिक्स करके इसे अलग रख दें। पनीर को भूनने के लिए पैन में तेल डालें और तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें पनीर डालें। आप चाहें तो पनीर को भूनने के लिए घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है। पनीर में थोड़ी सी नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लें। पनीर अच्छे से भून चुकी है, इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। बची हुई तेल में 1 तेज़पत्ता और 1 चम्मच घी डालें। अब तैयार किया हुआ मसाला डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक भून लें। जब मसाला भून जाए तब इसमें उबले हुए छोले को डाल दें। मैंने यहाँ पर छोले को 5 घंटे तक भिगो के रखा था। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। इसके बाद आप इसे प्रेशर कुकर में डालकर 5 से 6 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर इसे कुक कर लें। अब इसमें 2 टीस्पून नमक डालें या फिर स्वाद अनुसार नमक डालें। नमक ज़्यादा ना डालें क्योंकि हमने पहले भी पनीर भूनने वक्त नमक डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और भुना हुआ पनीर को इसमें डाल दें। पनीर को डालकर 5 मिनट तक इसे भून लें। इस छोले पनीर को आप किसी भी रोटी, नान, पूरी, फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं। इसे आप भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिए, ये बहुत अच्छा बनता है। 5 मिनट बाद इसमें पानी डालें और 10 से 15 मिनट तक ढककर पकने दें। यहाँ पर हमने 1 चम्मच टोमेटो केचप डाला है, इसे टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आती है। बीच बीच में इसका ढक्कन हटाकर इसे चलाते रहें ताकि हमारा छोला पनीर जले ना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप अपने ग्रेवी के हिसाब से पानी डालें। मैं यहाँ पर पूरी के साथ खाने के लिए इसे बना रही थी, इसलिए ज़्यादा ग्रेवी रख रही हूँ। आपको अगर ठीक चाहिए तो आप कम पानी डालें या फिर 5 मिनट और पका लें। 15 मिनट बाद देखिए हमारा छोले पनीर बनकर तैयार है। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे अलग बोल में निकाल लें। आप इसे चाहे तो धनिया के पत्तों के साथ गार्निश करें। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाई। आप भी इसे एक बार बनाइए और इसे पूरी या फिर नान या फिर फ्राइड राइस के साथ खाकर देखिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए।